जबलपुर के घमापुर निवासी युवक प्रेजिक मिश्रा, जो कि किराए पर बाइक देने का व्यापार करता था, करीब एक सप्ताह पहले उसने रविंद्र प्रताप सिंह पिता एएसआई अरविंद प्रताप सिंह को बाइक किराए पर दी थी, जिसके बाद रविंद्र उस बाइक को दो दिन तक अपने पास रखकर चलाता रहा और फिर उसने बाइक को घमापुर में रहने वाले आकाश कुकरेजा के पास गिरवी रख दी। प्रेजिक ने जब आकाश को सारी घटना बताई तो दोनों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि आकाश ने उसके दोनों पैर तोड़ दिए। तो वहीं प्रेजिक के परिवार वालों ने अब एडिशनल एसपी आगम जैन से मदद की गुहार लगाई है और एडिशनल एसपी अकरम जैन ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा नाम प्रेजिक मिश्रा है और मैं गाड़ियां रेंट पे देने का काम करता हूं। तो एक दिन एक व्यक्ति आया जिनका नाम रविंद्र प्रताप सिंह था और उन्होंने मेरे से रॉयल इनफील्ड ब्लैक एंड रेड कलर पे किराए पे ली थी और उनके पिताजी का नाम अरविंद प्रताप सिंह है, जो कि लॉर्डगंज थाने में एएसआई के पद पर हैं। और तो उन्होंने गाड़ी जल लेते वक्त एक दिन के लिए मुझे पैसा दिया और गाड़ी लेकर गए और दूसरे दिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका नंबर स्विच ऑफ आया। फिर जो उनके सहपाठी थे, जो हमारे दूसरे उनके साथ आए थे गाड़ी लेने, मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि एक आध दिन गाड़ी और एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे तैसे मेरे बहुत प्रयास करने के बाद जब मुझे गाड़ी नहीं मिली तो मैं अपनी गाड़ी को जीपीएस लोकेशन की मदद से ट्रैक करते हुए उस जगह पे पहुंचा जो जहां पे घमापुर थाने के दो गली आगे पे, तो वहां पे आकाश कुकरेजा नाम के व्यक्ति के पास गाड़ी मुझे मिली, जिन्होंने मेरे पर बिना पूछताछ के हमला कर दिया। उस हमले में उन्होंने मेरे को मुंह पे वार किया जिसमें मेरी नाक फूट गई थी और मेरे पाँव पे एक बेसबॉल के बल्ले से जमकर हमला किया, जिससे मेरे पाँव की दोनों हड्डियाँ चकनाचूर हो गई, टूट चुकी हैं पूरी तरीके से। और उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा सा पत्थर उठाकर मारने की कोशिश की, जिसमें मेरे साथ गए हुए मित्र ने मेरी मदद की तो वो पत्थर मेरे बाजू में गिरा, अदरवाइज वो मेरे ऊपर ही गिर जाता। तो उनके रिपोर्ट नहीं लिखी मामले? रिपोर्ट की गई है, मैं तो हॉस्पिटल में, मेरे जो सहयोगी मेरे सभी मित्र भाई हैं वो लगे हुए हैं रिपोर्ट वगैरह करने के लिए। तो मैं क्या कहीं ना कहीं वो पुलिसकर्मी का बेटा है? जी हाँ, यही उनको सपोर्ट मिल रहा है कि वो ऑलरेडी एक पुलिस के हैं बेटे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा थोड़ा सा व्यवस्था दी जा रही है, उनको बचाया जा रहा है। किस तारीख की घटना है? 21 तारीख। आप कितने दिन से भर्ती हैं? 4-5 दिन हो रहे मेरे। अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं? अभी तक कोई भी पुलिस का आदमी यहाँ पे आके ना उन्होंने मेरा बयान लिया ना किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई है। गाड़ी कितने वहाँ क्या कर दिया था? गाड़ी को उन्होंने ये इसका ज़्यादा हाँ गाड़ी को उन्होंने गिरवी रख लिया था, ये घटना बाद में मुझे पता चली बट उस वक्त मुझे नहीं पता थी। आपका नाम? प्रियजीत मिश्रा। हाँ, घमापुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें मोटरसाइकिल को किराए से लेन देन को लेकर के मारपीट हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा कायम किया है और जल्दी ही जो आरोपी उनको गिरफ्तार भी करेगी। सर, वो बताया जा रहा है कि एएसआई थाने में उनका बेटा है तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक एफआईआर में तो उनका सीधे नाम नहीं आया, लेकिन विवेचना में यदि होगा तो जो भी आरोपी होंगे बिल्कुल उन पर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी।